हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग ये मेरे वाले कन्या कि सदी हो गए लागे नहीं आ उच्चे तू ध्यान दे मैनू जान दे बस एक मिनट रुक जाओ रुक गया दोस्तों चल यार मेरा गला सूख गया, पानी पूरी पीना है। बोल दिया है नहीं। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं पुरानी पिक्चर्स पे रिएक्ट। एंड मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान भी आए हैं रिएक्शन लेने के लिए। हाय गाइस, पास्ट में मैंने 4-5 साल पहले एक वीडियो शूट की थी जो आपको बहुत अच्छी लगी थी, और बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि और पिक्चर्स शेयर करें। सो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जो मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं की होंगी। सो वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कोशिश करूँगी ढूंढने की। एंड पति ने अपना फेसबुक खोल लिया है जितों वो पिक्चर्स ढूंढेंगे। बहुत ही नहीं है, लेट्स शो देम दिस पिक्चर टुडे, यू हैव टू डू दिस। रियली? यस। कुछ नहीं था, कह रहे ना कि मैं उतना दिन ही आई है, लाइक जैसी ये है वैसी इस पिक्चर में नहीं आई, मगर इसमें मी एंड मीमी ठीक आए हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो ये पिक्चर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये पिक्चर है 2016 की। ओके, ये पिक्चर 2016 की है, पुरानी है। इतनी पुरानी नहीं है, मैं 10-12 साल पुरानी की गल करूँगी। सो 2016 की है ये पिक्चर। इस हमने एक्चुअली हम किसी शॉपिंग मॉल में गए थे और वहाँ पे हमने टिकट निकली थी हमारी कि आप फोटो शूट करा सकते हैं, आई थिंक $200 में। सभी को पता होगा, हर संडे वाले पीछे पड़ जाते हैं। हडसन बे सी, हाँ हडसन बे में। सो हम दोनों ने सोचा कि यार पिक्चर्स तो हम क्लिक करते नहीं है, तो मैंने सोचा कि फैमिली की पिक्चर्स हो जाएंगी। सो हम लोग पिक्चर्स खिंचाने के लिए वुड ब्रिज वाले में जगह पे गए थे, एंड मेरी फ़ोटो ही अच्छी नहीं आई। इसे इतने बड़े बड़े पोस्टर भी दिए हैं उन्होंने, और मैनू समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूँ। मैं नहीं लगाना चाहती मेरे घर में, पता नहीं मुझे अपनी ये शक्ल से ही हेट है। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये कोई और बंदा है। आपको ऐसा लग रहा है? आप मत कहना कि नहीं नहीं ये तुम ही लग रही हो, ब्ला ब्ला। मैं नहीं, तू लगती नहीं रही, क्योंकि द पोज पता नहीं जो पोज था वो डिफरेंटली। या बट ये दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं, हस्बैंड का हेयर कट भी इतना अच्छा है, हिम्मत भी बहुत क्यूट लग रहा है। सो मैंने इनको रख लिया है, पर मैंने ये कहीं पे शेयर नहीं किया। मगर उसमें मेरी मुछा लाइक अ वीरप्पन लग रही है। नहीं, क्यूट लग रहा है, क्यूट है। सो फिर पति ने क्या कि दिखाओ, क्यों ना दिखाई जाए। हर पिक्चर इनकी अच्छी हो वही दिखानी चाहिए, साड़ियाँ नहीं। अड्डी पट्टी भी है मेरे को, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पता ही नहीं। ओके, मैंने पति से छुपा के रखी है, पर इतनी बड़ी भी है मेरे पास। लुक एट द मीमी। एक और खिंचवाई थी हमने, वो क्यूट है, आई लाइक दिस वन। तो इसमें मीमी और भी क्यूट लग रहा है। डैडी तो ये भी क्यूट लग गंदे। आप वाली ठीक है? ये तो आप पकड़े नहीं खिची। नहीं, ये भी साड़ा टिकट निकली, ये भी टिकट निकली। कुछ टिकट हर एक दिया निकल जाने हैं। आओ मतलब व्हाटएवर। सो एक ये भी खिंचवाई थी हमने, आई होप आप देख पा रहे हैं, मैं आप स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। तो बड़े 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 पोस्टर मिल गए हमें। ये ब्लैक वाली मुझे अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ब्लैक कलर में मैं अच्छा फील करती हूँ, तो फिर पिक्चर भी मुझे अच्छी लगती है। तू क्यों नहीं लाई किते? लावांगे, ला लांगे। मिमी देखी गुलगुला यार। मिमी दिया देखो, ला हुण आप दोनों ने वेख ला पना। लुक एट दिस मेरी बुगी। ओके, सो ये पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूंगी, पर मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं शेयर करके रखी हैं। सो ये पिक्चर है हस्बैंड की विराट कोहली के साथ, जो कि विराट कोहली होने दादा नहीं होने, बहुत ही ग्लैमरस दिखने लग गया। हुण मैं भी नहीं दादा रहा, हुण मैं ज़्यादा सियाना दिखने लग गया। सो ये आई थिंक मेलबर्न की पिक्चर है, ऑस्ट्रेलिया। तो हमें ये विराट कोहली इन्हों मिल गया सी, सो इन्होंने उसके साथ पिक्चर खिंचाई थी। मैं दसा कि हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट होते थे, लाइक मैं वहाँ पे टैक्सी चलाता था। इट्स अबाउट लाइक 2011, हाँ मे बी 2010 2011 की बात है। इंडिया टीम वहाँ पे गई हुई थी क्रिकेट
खेलने. एक्चुअली ये तीन चार क्रिकेट प्लेयर मेरी टैक्सी पे बैठ के, आई टुक देम फ्रॉम चैडस्टन एंड ड्रॉप इट इन लाइक मेलबर्न टाउन टाउन है ना. तो फिर मैंने इनके साथ पिक्चर खिंचवाई थी. एक्चुअल मैं उन्होंने कहा सीगा कि मैं तेरे को फेयर नहीं लाना, मैं फोटो खिंचवानी है ईच एंड एवरीवन ना. ओके ओके. और उनका ऐसा था कि जब वो उतरना था दे हैव टू रश टू द होटल क्योंकि लोग आ जाते थे ना. एंड और कौन सी, एक यादव, एक ईशांत शर्मा सीगा, एक यादव सीगा, उमेश यादव. या सो ये जो पिक्चर है इसमें हिम्मत बहुत ज्यादा छोटा है, मुझे लग रहा है कुछ दिन का ही है, 10-15 दिन का. और ये हस्बैंड के साथ उसकी पिक्चर है, दिस इज वेरी क्यूट. और इतना छोटा था कि हस्बैंड को उसको उठाने के लिए भी अजीब लगता था, बहुत डेलिकेट सा था ना वो. क्या दिस इज सेम डे पिक्चर हम तीनों की एक साथ, हिम्मत, मी एंड हस्बैंड, दिखा सकते हैं. ओके सो ये पिक्चर है, इसमें मैं प्रेग्नेंट हूँ. ये 2014 की ही पिक्चर है, उस समर्स की. ये वाला दिन है जिस दिन मैंने पहली बार हिम्मत के लिए टैडी खरीदा था. इससे पहले, ये बीच में आने से पहले हम लोग आइकिया गए थे और आइकिया से वो ख़रीदा था मैंने वो अभी भी हिम्मत के पास है. उसको इतनी ज़्यादा उसकी आदत पड़ गई थी कि हमने उसे छुपा दिया अब, पर ये वो वाला दिन है, मुझे याद है अभी. ओके सो जब वो लोग आए थे वहाँ पे प्ले करने के लिए, तब हम लोगों ने लाइव मैच भी देखा था. तो ये वाले उस मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की पिक्चर है. एंड मुझे वैसे क्रिकेट का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर जब हमने लाइव स्टेडियम में देखा तो इतना मज़ा था ना, इतनी वाइब थी, इतनी एनर्जी थी, तो मैं चीख रही थी ये सचिन. वो सारे लोग करते तो इतना मज़ा आता है ना. और इंडिया जीतेगा. सो बहुत मज़ा आया था, मुझे अलग ही फील आई थी. तो लगा था कि यार क्रिकेट है तो मज़ेदार. ओके सो ये है मेरे बर्थडे की पिक्चर. मुझे लगता है कि ये 2009 की पिक्चर है. ये मेरा पहला बर्थडे था हमारी शादी के बाद. तो यस, हम लोग बाहर डिनर करने के लिए गए थे. तो पहला आप थोड़ा टशन मार के पिक्चर खिंचा रहे हैं, जितना पता नहीं हम उस टाइम यंग शुरलियाँ होती हैं थी. हाँ, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्किनी लग रहे हैं यहाँ पे. मैं तो बहुत क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रही हूँ, पट्टी ओके काइंड लग रहे हैं. सो एक और पिक्चर है ये वाली, हम दोनों जॉब पे जा रहे हैं. जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था ना, वो यूजली हम दोनों को ड्रॉप करता था, पहले मुझे फिर हस्बैंड को. तो ये हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, शायद उसकी वेट कर रहे हैं. तो हम दोनों ने सोचा सेल्फी खींच लेते हैं. मैं अपने काम के लिए रेडी हूँ, काला कपड़े पहन के, पति अपनी नीली शर्ट पहन के. सो या ये वाली वो पिक्चर है. और ये पिक्चर है, ये मुझे लगता है मैंने आपको दिखाई होगी, ये डैडिनोंग हिल्स बोल देते हैं इनका कोई दोस्त था, उसकी नई शादी हुई थी और वो हमारे यहाँ पे आए थे. वो अदर साइड पर रहते थे, सिटी के दूसरी साइड, क्रेगी बन वाली साइड. सो वो हमारे पास आए तो हम उन्हें डैडिनोंग हिल्स लेके गए थे. तो ये उस दिन की पिक्चर है. मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड को इतनी ज़्यादा यादें रहती हैं, मैंने याद रही है. तू मेरी बाहों के बीच प्यारी है, मैं तो तेरी बाहों से डोल गई ही. छेती करो ना कोई. बस ओके सो ये पिक्चर है मेरी और हस्बैंड की, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ. हम लोग बॉलिंग करने के लिए जाते थे बहुत ज़्यादा, एक ही काम था हमारे पास, बॉलिंग. मैं हमेशा चैंपियन होता था, अभी भी चैंपियन हूँ, कोई हरा नहीं पाता. देख लो अगर समटाइम जीत जाते होंगे. मैं नहीं जीतती थी वैसे. नहीं यार, ये रहा मेरे पास में खड़ा है लंबा सा बलविंदर, ये बहुत अच्छा खेलता था. एक्चुअली जतिंदर भी बढ़िया खेलता है, ये बड़ा जोर लाउंदा रहा है. कभी-कभी मेरे क्लोज आ जांदा रहा, बट ओ नाल नहीं ना बैठे तो जो मर्जी बोलिया हो भाई, ज्यादा मैं जीत जाऊंगा. जीत जाओ. ओके और बखा कोई मोदी की फोटो किन पाती मेरे फेसबुक पे. ओके ये पिक्चर बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है. मुझे लगता है ये हमारा दूसरा दिन था ऑस्ट्रेलिया में और मैं नन बन गई हूं. आई कोफील्ड वाली वॉक कर नहीं चल गए थे उस दिन भी है. सो मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्यारी बनी और मैं चूड़ा भी पाया हुआ इसमें. सो ये मुझे नहीं लगता था मैं दिखाऊंगी, पर या दैट्स मी, क्यूड़ी पाई विद ग्लासेस, बच्ची जी होंगी. सो या ये वाला दिन है जब मैं और मेरे हस्बैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में ही. ये भी हमें ऑस्ट्रेलिया गए महीना की होया सी. सो ये उस दिन की पिक्चर है. आप भंगड़े वाली बता रहे. ओह माय गॉड, इज दिस मी. ओके सो ये आई थिंक दिवाली फंक्शन पे मैंने परफॉर्म किया था. सैंडन पार्क जिथे वो सीगा, सैंडन पार्क, आई डोंट नो नाम ही भुल गया. सो वहाँ पे हमने चार पांच चीज़ों में परफॉर्म किया था क्योंकि बंदे बहुत घट होंगे थे उदो पंजाबी.
सो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड अही बहुत सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करें, पहला गिद्धा करेंगे, फिर उसमें करेंगे, फिर उसमें करेंगे. सो या ही उस दिन की पिक्चर है. काला माला पे आया ही कभी कुछ मैं काम करता था, ये परफॉर्म करते रहते थे. ओके ओके दैट्स नाइस. हां देखो वही वाला दिन ना जब ही आई किया गई तन याद ही है गल ना तो दिया पा उदन ले आ उस दिन ले आई. उत्तर बाद ही वो बीच जेते चले गए ही किसे. ओके सो ये पिक्चर है पत्ती की. ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਗੜੀ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ. ਬੰਨੀ ਬੰਨਾਈ ਪਗੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ. ਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਸਾਥ ਮੇ ਹੋਤੀ ਤੋ ਥੋੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਤੀ. ਨਿਆਣੇ ਹੋਣੀ ਗਾਇਸ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ. ਇੱਡੀ ਚਲਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਧ ਨੰਗਣ ਪਿਕਚਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏਗੀ? ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੋਂ. Guys, look at this picture. I don't know. इसमें ये कोरियन लग रही है. She look like Korean. इसमें मैं ऐसे लग रहा है कि मैं स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ. ओके दोस्तों ये पिक्चर है हमारा कनाडा में दूसरा दिन, दूसरा या तीसरा. उस दिन बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी थी एंड आप दोनों थोड़े उदास था. इतनी ठंड हमने कभी नहीं देखी थी और इतनी ठंड ना ही बहुत हैरान परेशान हो गई थी. ओके सो जब हम कनाडा आ रहे थे तो हमने हमारे घर के लिए, इंडिया वाले घर के लिए, एक प्यारा सा डॉग लिया था. इतना क्यूट था ना. और बचपन में हमारे पास एक दो बार हमने डॉग रखा था पर मेरी एक कज़न थी उसके डॉग का नाम था ब्रूनो. और मुझे लगता है कि जब भी मैं डॉग लूँगी मैं ब्रूनो रखूँगी अपने डॉगी का नाम. सो जब हमने ये लिया ना इसी दिन हम लोग दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे और हमने ये लिया था अमृतसर अमृतसर से कहीं से. और ये मेरा उसके साथ पहला एंड आखिरी दिन था और मैंने उसको नाम दिया था ब्रूनो. और इतना क्यूट था ना वो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा. और बेचारा लास्ट ईयर या लास्ट ईयर वो बेचारा हमें छोड़ के चला गया. इतना क्यूट सी ना. सो यहाँ मैंने सोचा ये गुड मेमोरी अहीं तो ना रहे भी नहीं बट आई रियली लाइक देम. वो सो सो क्यूट. ओके दिस इज ओके. सो जब हम ऑस्ट्रेलिया छोड़ के यहाँ पे आने वाले थे तो एक पार्टी थी दिवाली की. नवंबर में आए थे हम लोग. तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसे पार्टीज बहुत अच्छी लगती है और मैं काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट और मुझे लगता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी. पर वो ये पार्टी पे हमें ज़बरदस्ती ले गया. ये काइंड ऑफ क्रूज़ पे थी और बहुत मज़ा आया था. हमने आई एम ग्लैड कि मैंने उसकी बात मान ली और हम चले गए. ये उस दिन की पिक्चर है और बड़ा मज़ा किया हमने. इतना डांस किया था, बड़ा फन हुआ ही ना. गेम्स भी थी और रियली एंजॉयड दैट. इट वाज इंडियन फूड. इंडियन फूड यार, सारे सिटी के अराउंड घूम रहा था वो. और आई थिंक ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई है. ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में आखिरी दिन था. सुबह हम जाने वाले थे. इज इट द लास्ट डे? या दिस वाज द लास्ट डे. सो इस दिन मैंने सारा दिन मेरे दोस्तों के साथ स्पेंड किया. हम मेलबर्न सिटी में घूमे. पैकिंग वुकिंग तो ऑलरेडी डन थी और सारा बहुत मज़ेदार था. और ये मेलबर्न ब्लैकबर्न गुरुद्वारे में लास्ट दिवाली हमारी हमने गए थे. मैं हमेशा गुरुद्वारा जाना चाहती हूँ दिवाली वाले दिन. तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला लास्ट दिवाली लास्ट गुरुद्वारा विजिट है हमारी. पता और या फिर बोलना पड़ो मैं कुछ नहीं ना. सो ये नहीं हंस के दस ना तू रोना क्यों. दोस्तों ये मेरी गुजरी हुई नानी नु देख के रोन लग पी है. मेकअप खराब हो जाना मेरा. ओके सो ये पिक्चर है मेरे हस्बैंड की नानी की. वो बहुत बहुत क्यूट थी. और पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, जो मेरे हस्बैंड की मम्मी है वो सिंगल किड है. तो जो नानी है वो हमारे घर के साथ वाले घर में रहती थी. मतलब सेम ही घर हो गया था बड़ा वाला. तो नानी मतलब कि हम हमेशा नानी के साथ रहे. वो इतनी क्यूट थी ना, बच्चों की तरह थी वो. तो वो भी चली गई. हाँ क्या बात है. लाइक एवरीबॉडी हैज टू गो वन डे. ओके तू बढ़िया गलबात करके तू साला मुझे भी रुलाएगी क्या? ओके सो लास्ट ईयर आई एम स्ट्रांग हस्बैंड नानी लेफ्ट अस. सो लास्ट ईयर हस्बैंड की नानी चली गई, मेरी नानी भी चली गई. सेम ईयर एंड साडा ब्रूनो भी चला गया. आप भी बताना अगर आपकी भी नानी दादी चली गई हो तो. वी आर लाइक सैड मगर उनकी जो खुशी वाली मेमोरीज है लाइक दैट इज ऑल अबाउट. दैट इज व्हाई यू क्राई राइट. और एक्चुअली नानियों के जाने पे हम लोग गए नहीं है इंडिया
कोरोना की वजह से सो हमें ऐसा थोड़ी तसल्ली है कि वो है वहाँ पे क्योंकि हमने देखा नहीं ना जाते हुए सो ऐसा है कि वी मस्ट टेल यू गाइस कि अगर आपकी नानी दादी हैं लाइक उनके साथ टाइम स्पेंड करो बिकॉज़ नोबडी गोना लास्ट हियर लॉन्गर या वैसे हमारी नानियाँ दोनों की ऑलमोस्ट सेम एज की होंगी लाइक 80s में थी वो 83-85 और वो अच्छी अपनी ज़िंदगी जी के गई हैं और दोनों मेरी नानी और इनकी नानी काइंड ऑफ हेल्दी थी उनको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं थी कि उनको लाइक उनकी सेवा करनी पड़े ऐसे चलते चलते चली गई हैं और सो ये अच्छा है मुझे तो मेरी नानी ने नाने ने बड़ा प्यार दिया हुआ है क्योंकि मम्मा सिंगल चाइल्ड थी एंड ये उनके घर का पहला बेबी और वो बहुत लव करती थी और वो इनकी स्टोरीज मुझे इतनी सुनाती थी ना कि इसने ऐसे किया और नानी हमारी काइंडा थी उसको चीज़ें भूल जाती थी सो वो मुझे स्टोरी सुनाएगी इनकी एंड हुआ है स्टोरी का और मैं कहूँगी क्या फिर वो सेम स्टोरी दोबारा से सुनाना शुरू कर देती थी कि उन पुल जंदा हीगा होनी होती स्टोरी एंड हुई सेम फिर अच्छा वो बताती हूँ फिर तुम्हें एक और बात सो बहुत क्यूट थी वो असी जब इंडिया जाते थे आप उन्होंने रजाई च बह के बस वही पुरानी गल्ला बचपन दी उस उम्र में लोग गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते जब वो गुस्सा होती ना मैं कहती ओ मेरी बीबी थी तो वो ऐसे हंसना शुरू कर देती कहती ले तो फिर वो मुझसे खुश हो जाती थी कि हाय मुझे नहीं पुत रोना नहीं है गुस्सा नहीं होना फिर वो इन्ने चो हंसना पनी नहीं है मैं बीबी थोड़ी हूँ तो फिर जब हम बाहर से घूम के आएंगे यूजली हम सर्दियों में जाते ना तो ठंड होती है तो हम बाहर से घूम के गए नानी की रजाई गर्म सो मैं कहनी नानी थोड़ा उधर हो फिर मैं नानी की रजाई में फिट हो जाती वो मुझे हगीद कर लेगी और गरम गरम कर देती थी मुझे कहनी कोई नहीं अच्छा 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 सो या दिस इज स्टोरी अबाउट नानी ओके ये मेरी पिक्चर है टिम हॉर्टन्स में जब मैं जॉब करी थी और आई थिंक ये कैंप डे था तो वॉलंटियर किया था उस दिन मैंने तो उस दिन मैंने पिक्चर्स क्लिक की थी आई थिंक यही मेरी पिक्चर है उस समय की इनके बिना कोई और पिक्चर नहीं है कौन से टिम हॉर्टन पे यू यूज्ड टू वर्क एयरपोर्ट एंड बवेड सो ये एक हिम्मत एंड उसके डैडी की पिक्चर है हिम्मत डैडी की मसाज कर रहा है शायद कहना ना डैडी यू मस्ट बी टायर्ड दे चंपी कर दा चंपी हिम्मत ने करी तो मैं इदा फड़ के पूछी की थी हिम्मत मुझे किसी कर रहा है यहाँ पे वो अभी भी ऐसे ही करता है ना बाबू ओके दिस पिक्चर है मैं और हिम्मत न्यूयॉर्क सिटी में ये फेमस बुल के पास यहाँ पे ऐसी जगह पे फ़ोटो खिंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था कोरोना से पहले पीढ़ी अन्नी हर पास से पोज हो रहे हैं पर मैं और हिम्मत ने ज़बरदस्ती फ़ोटो खींची है अपनी न्यूयॉर्क सिटी हमें बहुत अच्छी लगी थी ओके सो ये पिक्चर है जब हम आए थे तो दूसरे दिन मैंने आपको बताया कि स्नो स्टॉर्म आ गया था और हस्बैंड ने बड़ा चाह सी बर्फ चक्कन था तो मेरे कज़न के घर पे रहे थे ना तो उसने कहा कि ए कहने मैं कर दा सफाई तो इन्होंने बड़े खुशी खुशी सफाई की थी मेरा पहले दिन ही लग टूट गया मेरा सो या पहला इंटरेस्ट होता ना कि बर्फ मैनेज करते हैं ओके सो ये पिक्चर है मेरे और मेरे हस्बैंड के बचपन की आप बताना कि आपको लगता है कि हमारी शक्लें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं मुझे लगता है थोड़ी मिलती हैं अब आप बताना सो ये वाली पिक्चर है इसमें नानी भी है ये हिम्मत 1 month का हुआ था 1.25 महीने का तो हम गुरुद्वारे लेके गए थे उसको पहली बार सो ये उस दिन की पिक्चर है उसके बाद हम लंगर खा रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि पूरी ब्लेसिंग लेते हैं गुरुद्वारे जाइए और लंगर नहीं खाइए ऐसे कैसे हो सकता है सो ये लंगर हॉल की पिक्चर है ओके दोस्तों सो ये पिक्चर है मेरे और मेरे हस्बैंड की हमने सोचा था कि आने से पहले एक पार्टी करते हैं हमारे सारे दोस्तों को बुलाते हैं तो हमने सारे दोस्तों को बुला के एक पार्टी की थी ये उस पार्टी के लिए मैं रेडी हूँ ये गल्ला बहुत ज़्यादा लाल गालियाँ आई डोंट नो व्हाई या आई एम क्यूट दैट्स इट एंड ऑफ स्टोरी पर इट्स ना रोड लग दी थी आई डोंट केयर मुंह सुजा या लाला गया इट्स ओके प्यारी आई एम ब्यूटीफुल द वे आई एम ओके सो ये पिक्चर है हिम्मत को जब मैं पहली बार मिली हूँ स्किन टू स्किन कर रहे हैं मेरा मुंह बड़ा उजड़ा चमन बना है पर ऐसा ही होता सब दा ना होनी होनी मैं बेबी नो दुनिया जे ले आंदा बॉर्न तो बाद 5 मिनट बाद 5 मिनट होने हैं 5-10 मिनट बाद पर एड्डी मज़ेदार फीलिंग आ रहा है गॉड इट्स सो गुड आई लव दैट हाँ इन फोटो देख के ना सारा याद आ जाता सो ये उसी दिन की है नानी हमारे पास है ना नानी एक ही दिन पहले आई थी और या पिक्चर क्लिक कर रही है मेरे साथ अभी हिम्मत आया नहीं है हिम्मत के आने में थोड़ा समय है हम लोग वेट कर रहे हैं
सो ये पिक्चर है जब हिम्मत को नर्स मुझे दे रही है पहली बार, आई थिंक 30 सेकेंड आफ्टर बर्थ. फिर उसके बाद वो देगी, फिर लेके जाएगी, क्लीन करेगी, फिर दोबारा स्किन टू स्किन के लिए देगी. दिस इज सो क्यूट. हु क्लिक्ड दिस पिक्चर? यू. प्रीशियस चीज. सो ये पिक्चर है आई थिंक वीकेंड की, मेलबर्न सिटी है ये. और मैंने और मेरे पति ने सोचा कि आज जब ही दोनों को मन जानने हैं तो ये बस स्टॉप पे खड़े हैं हम बस पकड़ने के लिए, उसके बाद हम ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद हम मेलबर्न सिटी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर ये बस स्टॉप पे वेट करते हुए हस्बैंड ने फोटो खींची है. और पीछे क्यूट जी कुड़ी है वहीं आ गई रैंडम. ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ मी. आई एम ऑल रेडी टू गो फॉर रनिंग. कैडी शूज पाके रनिंग करने चली जाए ते पैर ते आप ही टूटने. नहीं, रनिंग अद्धी रात नू रनिंग करन तुर गई ने. रनिंग करन गई हूं. डरदी नहीं? नहीं, मैं ना रनिंग करके सेफवे तक गई ही, ते मैं उसी दिन सेफवे ते बार भी फोटो खींची ही. सो हिम्मत एंड हस्बैंड अपने टशन मारन दे आ. असि मेले चले ही उठे. मेले नहीं चले थे, मेरी दोस्त की डॉटर का बर्थडे था तो उसके बर्थडे के लिए जा रहे हैं. हम लोग पूरे देसी बन के गए थे तो उत्थे सारे लोग ने शाइनी स्टार बन के आए ही. सो इस पिक्चर में हिम्मत एंड हस्बैंड ट्विनिंग कर रहे हैं. दोनों ने ट्राई किया कि पूरे ए टू जी तक सेम कपड़े पहने. सो दिस इज क्यूट मी विद डैडी, विद माय डैडी. एंड ये पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी और बहुत दोस्तों ने कहा था कि मैं हिम्मत के जैसे लग रही हूँ. जब कोई कहता ना कि तुम हिम्मत तुम्हारे जैसा है तो मैंने बड़ा मज़ा आता है. जब कोई कहता है कि हिम्मत डैडी के जैसा है तो उनको बहुत मजा आता है. उनको क्यों? उनको तोनो. अच्छा, नहीं आंदा? मैं डैडी कहंदे होना नु आंदा. सो ये हिम्मत है महीने का और नई नई कर रहा है किचन की सिंक में. नानी उसको नई नई करा रही है. सो इसी प्यारी पिक्चर के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हम पार्ट टू भी बना लेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा पिक्चर है. ऑलराइट दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बार में बताना कि आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगी. हमारी दोनों की मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश होगी. मज़ा आया मुझे ये वीडियो बना के. एंड यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि आपने पसंद किया होगा. अगर लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलो दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. तू ही जानू तैयार हो इधर. यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीसी लेमन स्क्वीजी. बहुत इजी है. बाय, लव यू. गाइस, बंदे को ना पेशेंस नहीं है बयान दे. बड़ी मुश्किल ना बैठाया था इधर रोक रोक के. नहीं नहीं बैठा हूँ. फिर भी तू ही पूरे नहीं आंदे. इधर आओ.